हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड हिंदी में मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए फिर से हाजिर हूँ। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीक हमने त को सीखा था, इस वीक हम थ को सीखेंगे। पहले थ वाले शब्दों को देखेंगे और बोलेंगे, उसके बाद हम थ को कैसे लिखना है वो भी सीखेंगे। तो चलो बच्चों, आपको मेरे साथ देखकर दोहराना है। थ से थाली, थ से थाली, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थोड़ा, थ से थोड़ा, थ से थैला, थ से थैला और थ से थन, थ से थन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे चित्र में एक बाजार का चित्र दिया गया है। कपड़े का थैला लेकर माँ बाजार जाती है। देखो, माँ और उसका बेटा कपड़े का थैला लेकर बाजार गए हैं। बच्चों, अब हम थ को पूरा करो तथा थ के नीचे लकीर खींचो तथा थ बिंदुओं को जोड़कर थ को पूरा करो। बच्चों, यहाँ पे थ दिया गया है, उसको आपको ट्रेस करके अच्छे से थ बनाना है। और यहाँ पे लिखा है, थाली का चित्र है, नीचे लिखा है थाली, तो थ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। दूसरा थर्मस का चित्र है, थर्मस के नीचे थ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तीसरा एक ग्लास का चित्र है जिसमें थोड़ा पानी है, तो उसमें थ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद चौथा चित्र थ का, थैला का है, थैला का थ, तो उसमें भी आपको थ के नीचे अंडरलाइन करनी है। पांचवा गाय का चित्र है और उसमें गाय का थन दिखाया गया है, तो थ थन का थन, ऐसे थ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें थैला लेकर बाजार क्यों जाना चाहिए? पहला प्रश्न है, हमें थैला लेकर बाजार क्यों जाना चाहिए? तो सब्जी या वस्तुएं रखने के लिए हमें घर से थैला लेकर जाना चाहिए। दूसरा है, हम खाना किस में खाते हैं? तो हम खाना थाली में खाते हैं। तो बच्चों, चलो अब हमने थ वाले शब्द तो बोलना सीख लिया, लेकिन थ को हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं।